हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अंबिका। कैसे हैं आप सब लोग? 6 से लेकर 8 हफ्ते के महिलाएं यानी जो गर्भवती महिलाएं, वो ये तरीके से जान सकते हैं कि उन्होंने लड़के को कंसीव किया है, लड़की को कंसीव किया है। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर रामजी थ्योरी के बारे में, जो कि डॉक्टर रामजी ने बताया था। ये उन्होंने 5,000 महिलाओं के ऊपर अप्लाई किया था, जिनमें से 97% महिलाओं में ये पॉजिटिव आया था। इसका जो रिजल्ट, ये जो तरीका है, वो सही साबित हुआ था। तो चलिए बात कर लेते हैं हम उस तरीके के बारे में। आप कैसे जान सकते हैं आपकी 6 से लेकर 8 हफ्ते की सोनोग्राफी की रिपोर्ट से, आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से, कि आपने एक लड़की को कंसीव किया है या लड़की को कंसीव किया है? डॉक्टर रामजी की थ्योरी पूरा डिपेंड करता है आपकी प्लासेंटा के ऊपर, आपकी बच्चे का प्लासेंटा का पोजीशन, आपकी बच्चे का प्लासेंटा कहाँ पे है, उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। आप अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से जान सकते हैं आपका बच्चे का प्लासेंटा का पोजीशन। अगर लेफ्ट साइड में यानी कि दाएं तरफ है, तो आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया है। और वहीं पे अगर आपका प्लासेंटा का पोजीशन राइट साइड है यानी कि सीधे हाथ की तरफ है, बाएं तरफ है, इसका मतलब आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। अगर आपको प्लेसेंटा का पोजीशन जानने में प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कतें हो रहा है, अगर आप अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को नहीं पढ़ पा रहे, आपकी प्लेसेंटा का पोजीशन नहीं जान पा रहे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से, तो आप अपनी अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन से पूछ सकते हैं, जो कि अभी अल्ट्रासाउंड के जो डॉक्टर होते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि मुझे बस इतना बता दीजिए कि मेरा प्लेसेंटा कौन सी तरफ है, दाएँ तरफ या बाएँ तरफ। तो उस हिसाब से अगर आपका प्लेसेंटा दाएं तरफ रहता है, तो आपने लड़की को कंसीव किया है। और वहीं पे अगर आपका प्लेसेंटा बाएं तरफ रहता है, तो आपने एक लड़की को कंसीव किया है। ये डॉक्टर रामजी का जो थ्योरी है, वो 97 तक 5,000 महिलाओं में उन्होंने अप्लाई किया था और उन्होंने देखा था ये सही साबित हुआ है। ये तरीका बहुत हद तक महिलाओं में सही साबित होता है, ये बच्चे का जेंडर प्रेडिक्शन करने में, बच्चे का लिंग जानने में। तो आप ये एक तरीके से ईजिली 7 से लेकर 8 हफ्ते में आप अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से ये जान सकते हैं कि आपका जो होने वाला बच्चा है वो एक लड़का है या लड़की है। बाकी आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो मेरी वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलूंगी ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।